यदि तुम्हारा घर अच्छे से छाया हुआ है, अगर तुम्हारी रूफ परफेक्ट है, तो फिर चाहे बाहर कितनी भी वृष्टि होती हो, तुम्हारे घर में पानी की एक बूंद आएगी नहीं। तुम्हारे चित पर भी यदि ध्यान भावना है, ध्यान भावना शब्द पकड़ना, ध्यान नहीं कहा, ध्यान विधि नहीं कहा, ध्यान भावना से तुम्हारा चित छाया हुआ है, तो क्या होगा, चाहे बाहर में कितने भी अनुकूल और प्रतिकूल संयोग आते हो, उसकी वृष्टि तुम्हारे चैतन्य पर, उसका प्रभाव तुम्हारे चैतन्य पर कभी नहीं होगा। ये क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ध्यान भावना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम एक छोटे बच्चे को बोलते हैं ध्यान से चलो भाई, अब उसको, जब तुम उसको छोटे बच्चे को कहते हो कि ध्यान से चलो, इट डजंट मीन कि तुम स्वराज क्रिया करने बैठ जाओ, ऐसा मतलब नहीं है। तब तुम क्या कह रहे हो, बी अवेयर, बी वॉचफुल, होशपूर्ण रहो, बाहर में कोई भी ठोकर ना लगा दे, तुम इतनी सजगता से अपना कदम उठाओ, ध्यान से अपना सामान रखो। हम कहते हैं मतलब बी वॉचफुल, ध्यान रहे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने कहां रख दिया, मतलब मेरी, मेरे होश में नहीं है, मेरी जागृति में नहीं है। तो जहां जहां हम ध्यान शब्द यूज करते हैं, इसका कुल मिला के मतलब इतना है, अवेयरनेस, होश, जागृति। सम्मत हो इस बात से, सम्मत हो, ध्यान भावना से भूषित यानी होश से भूषित, होश से भरा हुआ। और होश किसके प्रति, तुम कहोगे हम होश से भरे हैं, लेकिन किसके प्रति, अपनी सराउंडिंग्स के प्रति, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे अनुकूल है, ये मेरे प्रतिकूल है। ध्यान भावना है अपने भीतर जो चल रहा है ना, उसके होश से भरना। तुम्हारे अनुकूल क्यों है, क्योंकि तुम्हारे किसी न किसी राग का पोषण करता है। तुम्हारे प्रतिकूल क्यों है, क्योंकि तुम्हारी मान्यता का पोषण नहीं करता, यही तो बात है। तो बेसिकली तुम्हारे दुख और सुख का कारण अनुकूलता और प्रतिकूलता नहीं, तुम्हारी अपनी मान्यता हुई कि नहीं। तो ध्यान भावना से जो भूषित है, जो सही को सही मानता है और गलत को गलत मानता है, यही व्यक्ति बुद्ध के मार्ग के लिए नियुक्त किया गया है, और इसी का चित्त मल हटता है। आओ देखते हैं ये थ्योरी साइंस के अकॉर्डिंगली किस तरह से आगे मूव करती है। बायोलॉजी की टर्म्स में अगर हम इसे देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ सेकंड मैसेंजर। यदि तुम इसे गूगल पर डालोगे तो तुम्हें एक थ्योरी मिलेगी जिसका नाम है, मैं ये साइड में कर रही हूं, दिस इज एक्स्ट्रा नोट्स, ओके, जो ये साइड है, दिस इज एक्स्ट्रा नोट्स, थ्योरी ऑफ सेकंड मैसेंजर। अध्यात्म के क्षेत्र में हम इस थ्योरी को कहते हैं थ्योरी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डार्ट। डार्ट यानी शॉट, डार्ट यूं करते हैं ना, निशाना लगाना, निशाना, डार्ट्स बोलते हैं ना, फर्स्ट डार्ट और सेकंड डार्ट। तुम्हारी भाषा में जिस, जो तुम्हें टच हो, तो मैं कहूं डंक, डंक शब्द समझ में आता है, डंक माना, अब दर्द हुआ, अब पिंच हुआ, हाँ तुम्हें पिंच करना है किसी भी तरह से, ताकि तुम ध्यान भावना से भरो। फर्स्ट एंड सेकंड डार्ट, जो फर्स्ट डार्ट होता है यानी पहला शॉट होता है, ये एक्सटर्नल माना जाता है। इसको विज्ञान की भाषा में एक्स्ट्रा करंट कहा जाता है। सेकंड को इंटरनल माना जाता है, इसको इंट्रा करंट कहा जाता है। पहला डार्ट बाहर से आएगा और दूसरा डार्ट हमारे भीतर से आएगा। जो बाहर से आ रहा है वो वायरिंग और फायरिंग नहीं करेगा। दूसरा डार्ट है वो अंदर से आ रहा है, और जो अंदर से आएगा वो फायर वायर करेगा। ये फायर वायर की भाषा तुम्हें पता है, फायरिंग और वायरिंग क्या है। फायरिंग किसको बोलते हैं, फैट, एफ ए टी, फैट यानी फील करना, एक्ट करना और थिंक करना।
जो बाहर से डार्ट आता है, जो बाहर से शॉट आता है, वो ना फील कर रहा है, वो बाहर से आ रहा है, ना वो एक्ट कर रहा है, ना वो थिंक कर रहा है। लेकिन तुम्हारे अंदर जो दूसरा डार्ट शुरू होता है, उस फर्स्ट डार्ट को लेकर वो फील भी कर रहा है, वो थिंक भी कर रहा है और वो एक्ट भी कर रहा है। यहां तक बात समझ में आ रही है तुम्हें? एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बायोलॉजी के अंदर, तो इसका बहुत महत्व है। सेकंड मैसेंजर, जो फर्स्ट मैसेंजर है उसे क्या माना जाता है अध्यात्म की दृष्टि से? पूर्व कारण कारण का कार्य। तुमने पूर्व में जो कारण दिया था ना, उसका कार्य हुआ इफेक्ट ऑफ कॉज। पूर्व में कुछ किया था, उसका कारण यहां पर, उसका कार्य यहां पर तुम्हें दिख रहा है। सेकेंड डार्ट को क्या मानता है अध्यात्म? वर्तमान कारण का कार्य, वर्तमान कार्य का कारण, यानी कॉजिंग एन इफेक्ट। अभी समझ में आएगा, शुरू शुरू में थोड़ा टफ लगेगा। वो तुम्हें बिग बैंग भी जब पहली बार समझाया था, शुरू शुरू में थोड़ा टफ ही लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा। दो डार्ट्स हैं और सेकेंड डार्ट जो है वो एफएटी प्रोसेस को फॉलो करता है, यानी फील एक्ट एंड थिंक। पहले थिंक करता है, फिर एक्ट करता है, फिर फील करता है। ये तीनों कार्य सेकेंड डार्ट ही कर सकता है। फर्स्ट डार्ट जो है वो केवल क्या है, इट इज पूर्व में तुमने जो कारण दिया था उसका कार्य हुआ है। तुमने पूर्व में कोई कॉज डाला था उसका इफेक्ट है। मान लो किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हें ही धोखा दिया, उसने दूसरे को नहीं दिया लेकिन तुम्हें ही दिया, और किसी और ने नहीं दिया, उसी व्यक्ति ने तुम्हें चीट किया, मतलब तुम्हारा कोई पूर्व का बीज डला हुआ है, कोई पूर्व का कारण दिया हुआ है जिसके कारण ये कार्य, ये घटना घटी है। बात समझ में आ रही है? कोई पूर्व का तुम्हारा बीज अंदर डला ही हुआ है जिसके कारण यू आर बीइंग चीटेड, घटना तुम्हारे साथ हुई है। सो ऐसा ही रखो, यू आर बीइंग चीटेड, ये फर्स्ट डार्ट है। समझ में आ रहा है? द सेकंड मैसेंजर, दैट इज द एक्चुअल मैसेंजर, एंड दिस इज क्रिएटिंग अ कॉज विच विल गिव यू इफेक्ट इन फ्यूचर एंड ऑल्सो राइट नाउ। राइट नाउ में भी देगा, खाली अगर तुम किसी के प्रति द्वेष से भरते हो तो राइट नाउ में तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है? अशांत। और यदि तुम उसके प्रति जो है सो है, तो राइट नाउ में भी तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? एकदम शांत। अगर राइट नाउ में तुम्हारा एक्सपीरियंस शांत है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में भी तुम शांत और स्थिर और मस्ती में ही रहोगे। लेकिन अगर तुम्हारा राइट नाउ हिल गया पूरा पूरा, तो तुम्हारा फ्यूचर हिलने ही वाला है, बिकॉज यू आर कॉजिंग एन इफेक्ट ऑल्सो एंड यू आर द इफेक्ट ऑफ अ कॉज ऑल्सो। ये दोनों बातें समझ में आ रही है? इस पूरे को कहा जाता है कॉज इफेक्ट थ्योरी। कॉज इफेक्ट थ्योरी यानी कॉज क्या होता है? कारण। इफेक्ट यानी कार्य। थ्योरी यानी सिद्धांत। कारण कार्य सिद्धांत, ये इस तरह से चल रहा है। फर्स्ट डार्ट इज जस्ट तुमने जो बोया था उसका बीज आया, और सेकंड डार्ट क्या है? अब तुम जो राइट नो कर रहे हो, दिस इज आल्सो कॉजिंग एन इफेक्ट। ये अभी भी इफेक्ट दे रहा है और ये भविष्य में भी जाकर इफेक्ट देगा, देगा और देगा। नाउ हाउ टू गो हेड विद इट, इसके साथ कैसे जाया जाए? तो देखो, फर्स्ट डार्ट, सेकेंड डार्ट, रिजल्ट। आ जाओ फटाफट, इसका रिजल्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट डार्ट के अंदर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, मैंने उत्तराधीन सूत्र के सत्संगों में भी बताया था, बट दिस इज बिट डिफरेंट। थोड़ी इक्वेशंस यहाँ ऊपर नीचे होंगी, बिकॉज ये पूरी कॉस्मिक फील्ड्स को, सबको साथ में लेके चल रही है। तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ। अब जब तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, तो सेकंड डार्ट क्या है? फैट है। तब तुमने गलत थिंक किया, गलत एक्ट किया और गलत फील किया।
गलत एक्ट किया, गलत थिंक किया, गलत फील किया, तो रिजल्ट क्या आएगा? बैड ब्रेन. यस और नो? और बैड ब्रेन है यानी ब्रेन तुम्हारा बैड है, इसका मतलब क्या है? बैड ब्रेन यानी बैड माइंड. बैड माइंड यानी बैड एटीट्यूड. बैड एटीट्यूड यानी बैड लाइफ. पूरा चैट तुम्हारा इतने चार पॉइंट में क्लियर हो गया. तुम्हारी जिंदगी बैड क्यों है? अरे मेरी जिंदगी को नरक बना के रखा है. कौन है नरक बनाने वाला? बैड ब्रेन गिव्स राइज टू बैड माइंड, इट गिव्स राइज टू बैड एटीट्यूड एंड इट गिव्स राइज टू बैड लाइफ. तुम्हारी बैड लाइफ का कारण, तुम्हारी नरक का कारण तुम हो. तो फर्स्ट डार्ट यानी किसी ने तुम्हें धोखा दिया और उसके लिए तुमने गलत थिंक किया, गलत सोचा, गलत तुमने एक्ट किया और गलत तुमने फील किया. ये जो कुछ भी गलत 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 हो रहा है, इट गिव्स राइज टू बैड ब्रेन. ठीक है, तुम्हारे साथ गलत हुआ. दूसरा ऑप्शन ये है, तुमने उसके लिए राइट थिंक किया, जो है सो है. क्षमापना के दिन आके माफ भी किया, उससे जाकर माफी भी मांगी. एक्शन भी तुम्हारी राइट है और फीलिंग भी तुम्हारी लाइटनेस की है. होता है ना, क्षमापना के दिन तो दिल में बोझ लेकर आए होते हो लेकिन बाद में फिर एकदम लाइटनेस की फीलिंग के साथ जाते हो. तो वहां पर तुम्हारी फीलिंग भी राइट है, हल्की है, तुम्हारी एक्शन भी राइट है और तुम्हारी थिंकिंग भी राइट हो रही है, चाहे किसी के प्रभाव में, चाहे किसी के प्रभाव में, लेकिन इट इज गोइंग राइट. तो इट गिव्स राइज टू गुड. अभी तो तुम्हें भी समझ में आ गया. तुम्हारे साथ कुछ सही हुआ, किसी ने कुछ अच्छा किया और उसके लिए तुमने गलत सोचा, गलत थिंक, गलत एक्ट एंड गलत फील. कोई अच्छा कर रहा है लेकिन तुम सोच रहे हो क्या लेना होगा इसको मेरे से, क्या मतलब होगा इसका मेरे से. कहीं ना कहीं तुम सबको अपने जैसा ही मान लेते हो. फर्स्ट डार्ट, किसी ने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा किया, अब उसके लिए तुम्हें अंदर में कहीं ना कहीं बुरा भाव चल रहा है. जिसने अच्छा किया उसके प्रति भी बुरा भाव. और इसकी पराकाष्ठा है सद्गुरु, जो तुम्हारे लिए सतत अच्छा कर रहे हैं लेकिन तुम फिर भी उनके प्रति शंका के भाव से भर जाते हो. कहाँ से लाते होंगे, क्या करते होंगे, मिशन के लिए तो लोगों को कितनी शंकाएं होती है. तो कोई तुम्हारे लिए सद्भावना से भरा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके प्रति भी रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग एक्शन एंड रॉन्ग फीलिंग तुम्हारे अंदर आ रही है. ये क्या बना रहा है? बैड ब्रेन. और कोई तुम्हारे लिए थोड़ा भी अच्छा कर रहा है, थोड़ा भी, खाली एक पानी का ग्लास भी तुम्हें लाके दे रहा है, छोड़ो ये सत्संग वगैरह को, खाली एक निष्काम भाव से तुम्हें एक पानी का ग्लास भी पूछ रहा है, या समझ लो वो कामना से भी पूछ रहा है, वो कामना से पूछ रहा है कि निष्काम भाव से पूछ रहा है, दैट इज देयर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम. माई प्रॉब्लम बिगेन्स विद द सेकेंड आर्ट, सेकेंड मैसेंजर के साथ मेरी पूरी दुनिया का ब्लूप्रिंट बनता है. तो सेकेंड आर्ट अगर वहां पे सोचे वाओ सो नाइस पर्सन, मैं आई बाहर से और तुरंत पानी का ग्लास, अरे औरों के साथ तो नहीं होता लेकिन प्रभु आप मेरे मेरे लिए ही कितनी दया रखते हो, कितनी कृपा रखते हो, ऑल गुड थिंग्स आर थिंक कमिंग इन योर माइंड, यू आर क्रिएटिंग अ. और अगर गुड ब्रेन है तो गुड माइंड, माइंड गुड है तो तुम्हारा एटीट्यूड गुड है, एटीट्यूड गुड है तो तुम्हारी लाइफ गुड है. ये पूरा का पूरा सर्कल यूं चलता है. सेकेंड डार्ट के प्रति, सेकेंड डार्ट के प्रति सावधान होना, इसे ध्यान भावना कहते हैं. कमिंग डाउन, क्योंकि वी आर रिलेटिंग बुद्धम पद. सेकेंड डार्ट के प्रति सावधान होना, इसे ध्यान भावना कहते हैं. क्योंकि तुम्हारा अभी तक का एक्सपीरियंस क्या है? फर्स्ट डार्ट आया और सेकेंड डार्ट शूट हुआ. अभी तक का तुम्हारा अनुभव तो यही है, उधर से आया, इधर से शूट हुआ, लेकिन उसमें कौन सा प्रिंसिपल चल रहा था? PCIH, पॉज, काम, इंड्यूस एंड हील. उसके अंदर फर्स्ट डार्ट आया और अभी तुम्हारा सिस्टम पूरा ऑटोमेशन पर है. यहां से किसी ने धोखा किया, अंदर से उसके लिए गाली निकली,
यहां से किसी ने तुम्हें सम्मान नहीं दिया और अंदर से उसके प्रति द्वेष का, दुर्भावना का भाव निकला, लेकिन तभी तुम्हारी जो सेकंड भाव आया ना, निकल तो गया, ऑटो प्रोसेस पे निकल गया, लेकिन उसको गलत मानना, अपने गलत भाव को गलत मानना, इट इज मेकिंग अ गुड ब्रेन. अरे कुछ बोला था, तुम्हें बोला था ड्राई क्लीन के कपड़े दे देना और तुमने नहीं दिया, तो इमीडिएटली द रिएक्शन इज एंगर. डोंट यूज इट. मैं तुम्हें समझाना क्या चाहती हूँ, रिएक्शन आ रहा है क्योंकि वो पहले की वायरिंग की हुई है. अब वो पहले की वायरिंग के कारण तुम्हारे भीतर से रिएक्शन बाहर बबल आउट हो रहा है. एटलीस्ट यू कैन डू वन थिंग, डोंट यूज इट. ये हो सकता है कि नहीं? ठीक है, स्टेज वन है कि यू गेट एंग्री, बट वॉट हैपन्स, यू डिडंट यूज इट. तो सेकेंड स्टेज पर हम गए. सेकेंड स्टेज पर सीधा एंगर में से फॉरगिवनेस पर या शांति पर नहीं आते. तुम्हें भी जिंदगी के अनुभव से मालूम है, सेकेंड स्टेज पर चलती है ग्रमलिंग, यानी क्या बोलते हैं, मानसिक बड़बड़ाहट. बुला तो था, लेकर नहीं आए, कुछ काम नहीं करते, ध्यान ही नहीं रखते. ये मानसिक बड़बड़ाहट शुरू होती है कि नहीं? चलो, स्टेज वन तुम्हारी क्या है? एंगर, डोंट यूज इट. स्टेज टू तुम्हारी क्या है? ग्रम्बलिंग, मानसिक बड़बड़ाहट, डोंट यूज. स्टेज थ्री इरिटेशन. ठीक है, अब तुम बड़बड़ा भी नहीं रहे, लेकिन तुम्हारी फिजिकल लैंग्वेज के अंदर थोड़ी इरिटेशन होती है, इजंट इट? यूं 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 चलना, जोर से पेन को रखना, जोर से अलमारियां बंद करना, जोर से बर्तन पटकना, लीना प्रभु कुछ भी हो सकता है. Although she is very careful about her darts, लेकिन अब ठीक है, आप ही सामने बैठते हो तो आप पर ही हो गया. Irritation, don't use. और ये कब होगा? When you are होशपूर्ण. जब तुम होशपूर्ण हो कि मेरा पैर रोज के मुकाबले थोड़ा ज्यादा जोर से पड़ रहा है जमीन पर. यानी ये क्या चल क्या रहा है? This is the second dart which is going somewhere wrong. तुम्हारा सेकेंड डार्ट को तो तुम्हारे राइट होना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो लास्ट टाइम बता दिया कि बाहर किसी ने कुछ गलत किया. हर बार ये बस ऐसा ही होता है. ये फर्स्ट डार्ट, दिस इज सेकेंड डार्ट. मैंने तो तुम्हें सीधा बताया बाहर किसी ने कुछ गलत किया, तुम सही करो. लेकिन हाउ टू रीच दिस सही, FAT, तुम्हारा फीलिंग एक्ट और रिएक्शन. तो आज मैंने थोड़ा ना उसको भी बाइफरकेट किया है, ये फीलिंग एक्ट एंड रिएक्ट थिंकिंग, ये जो भी चीजें FAT तुम्हारा, इसको भी मैं बाइफरकेट कर रही हूं ताकि तुम समझ पाओ तुम्हें कितना जागृत जीवन जीना है. दूध नहीं लाए, सबसे पहला रिएक्शन था गुस्सा, कितना जरूरत था अभी उसका, और ये लाए नहीं. हमेशा ऐसा ही करते, अभी हमेशा कहां से आ गया? क्योंकि पहले की तुम्हारी प्रायर जजमेंट्स बैठी है, परसेप्शंस बैठी है. अब ठीक है, तुमने उसको यूज नहीं किया, बुद्ध ने यही कहा डोंट यूज इट. तो दूसरा आया ग्रम्बलिंग, तुम मानसिक रूप से बड़बड़ा रहे हो. तुमने वो मानसिक बड़बड़ाहट को तुमने रिप्लेस किया, चल कोई भक्ति चला ले, चल कोई धुन चला लो, कुछ तो कर लो, एटलीस्ट ये मानसिक बड़बड़ाहट बंद हो. देन केम द थर्ड थिंग, तुम्हारा फिजिकल इरिटेशन. दिस इज योर फिजिकल इरिटेशन, ये भी है. अब चौथे पे व्हाट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग नाउ, यहां तक आते आते सी गुड, क्या उस आदमी में कुछ अच्छा है ही नहीं? आज दूध भूल गए, लेकिन तुमने दूध मंगवाया इसका मतलब यही है कि पहले लाते रहे होंगे. तो इतनी बार लाए तब तो तुमने कभी कुछ अभिव्यक्ति करी नहीं होगी, और आज नहीं लाए तो सीधा बड़बड़ाहट शुरू. क्योंकि जो लाता नहीं, मेरे को कौन कहेगा दूध लाने को? मैं लाती नहीं कभी, मेरे को कोई बोल भी नहीं सकता. यानी आपने बोला मतलब वो पहले 500 बार लाए थे, और वो 500 बार लाए और तब आपने धन्यवाद नहीं प्रकट किया, सो दिस इज द पनिशमेंट, योर पनिशमेंट थ्रू हिम कि वो भूल गए. चलो अब यहां पर आते आते सी गुड, एंड देन कम्स फाइनली व्हाट नाउ, तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए? कि अब दूध नहीं है तो दौड़ने लगो, लेकर आओ, लेकर आओ, फोन करके मंगवाओ, लेने चले जाओ, जो भी व्यवस्था करनी हो उसे करो. बट इफ यू कीप ऑन ऑक्यूपाइंग योर एनर्जीज इन दिस थिंग, देन व्हाट हैपन्स?
तुम्हारे ब्रेन के अंदर वैसी ही फायरिंग चल रही है। तुम्हें क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट? किसी ने रॉन्ग गाड़ी पार्क कर दी, किसी ने गलत गाड़ी कट मार दिया, किसी ने सिग्नल पर गाड़ी निकाल दिया, दैट वॉज अ फर्स्ट डार्ट। अब मुझे क्या करना है? आई वॉन्ट टू कीप एंग्री, बोलोगे तो तुम नो, लेकिन पता नहीं, आई होप यू आर इवॉल्विंग। या फिर मानसिक बड़बड़ाहट चलेगी, या फिर इरिटेशन चलेगी, या फिर तुम धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ मुड़ रहे हो। सो यहां से तुम्हारा पॉजिटिव, सी गुड, एटलीस्ट उसने इस तरह से मोड़ी गाड़ी, मेरी गाड़ी ठोकी तो नहीं ना, वो इतना रैश ड्राइव कर रहा था, ठोक सकता था। सी गुड, एंड वॉट नेक्स्ट? आई डोंट वॉन्ट टू रिएक्ट टू हेल्प विद इट। अरे भाई, तुम दिल्ली में रहते हो, तुम अमेरिका में नहीं रह रहे कि तुम्हारे यहां पर गाड़ियां कोई आउट ऑफ लेन चले ही ना। तुम दिल्ली में रह रहे हो, एक्सपेक्ट दिस थिंग टू हैपन। लेन कटिंग होगी, लेन क्रॉसिंग होगी, इस चीज को एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन। सो यू आर नॉट यूजिंग दीज थ्री थिंग्स, एंड वॉट यू डोंट यूज यू लूज। वॉट यू लूज, लूज क्या करोगे तुम? तुम्हारे जो मेंटल कनेक्शंस बने हुए हैं ब्रेन के अंदर, सिनेप्टिक कनेक्शंस है, सेकंड सत्संग याद करो, जो तुम्हारे मेंटल कनेक्शंस बने हैं वो सारे के सारे कनेक्शंस तुम्हारे धीरे धीरे लूज होना शुरू कर जाएंगे। दिस इज कॉल्ड वर्किंग ऑन द थ्योरी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आर्ट। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ, क्योंकि मुझे ये प्रश्न आए थे, बेन प्रभु हम वर्क कैसे करें अपनी फीलिंग्स, एक्ट और थिंकिंग के ऊपर, हम वर्क कैसे करें? सो दिस इज द आंसर, यू हैव टू स्लो डाउन, और बिना स्लो डाउन किए एक्सीडेंट होगा। सो यू हैव टू स्लो डाउन स्लोली, डोंट यूज योर सच थिंग्स। इरिटेशन होती है, स्टॉप इट, डोंट यूज इट, उसको प्रोलोंग मत होने दो। हो जाता है, वो तो पहले का वायरिंग है, लेकिन नया वायरिंग तो हमारे हाथ में है कि नहीं है? यू हैव टू कॉज अ इफेक्ट ऑल्सो नाउ, सो दैट इज इन योर हैंड्स, एंड दिस इज द वर्किंग ऑफ थ्योरी ऑफ सेकेंड मैसेंजर।